गुड इवनिंग और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अनबॉक्सिंग से तो अनबॉक्सिंग मैंने ये जो भी चीज़ें मंगाई हैं कुछ टाइम पहले मंगाई थी लेकिन वीडियो थोड़ा सा डालने में लेट हो गया ये मैंने कुछ सरामिक की प्लेट मंगाई है कुछ नहीं थोड़ी सी मंगाई हैं चार मंगाई हैं और उसके बाद ये उसका उद्घाटन यश ने किया है तो एक्चुअली मैं बोर हो गई थी अपने किचन में मतलब किचन से तो ज़्यादा कुछ तो मैं चेंज कर नहीं सकती तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं और ये कलरफुल कप्स तो ये कप्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये मुझे बहुत सस्ते पड़े हैं तीन सौ कुछ रुपए के पड़े हैं लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फिनिशिंग अच्छी है तो मैं सभी को चेक कर रही हूँ कहीं किसी में डिफ़ेक्ट होगा तो रिटर्न करा दूँगी लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं है और कलरफुल से हैं क्योंकि वाइट वाइट देख के तो मैं पगला आ गई थी बिल्कुल ही <laughs> तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लाऊं फिर और ये कांच के ग्लास जो कि मैंने यूज़ करने बंद कर दिए थे उसके बाद से जब ये कोविड वगैरह के चक्कर में फिर दुकानें बंद थी और सारा यहाँ टूट गया था और आना बंद हो गया था यहाँ पे ऑनलाइन तो बस इसको मैं इस पर अरेंज कर रही हूँ और वाइट वाले जो कप्स थे वो मैंने उसको वॉश करके मैंने हटा दिए अभी कुछ टाइम के लिए और ये जो किचन में पीछे आपको स्टील के रैक के पीछे दिख रहा होगा वो स्टीकर का निशान है और यहाँ जो बड़े वाले जार्स थे उनको भी मैं चेंज कर रही हूँ तो उसकी जगह मैंने ये जो मेरे पास कुछ जार्स रखे हुए थे तो ये मैंने नहीं खरीदे तो ये इसी में मैं वो डाल रही हूँ थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि यह होता है कि अगर ज़्यादा स्पेस ना हो तो फिर आप ज़्यादा कुछ तोड़ताड़ कर नहीं सकते और वैसे भी मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ इस घर में तोड़ताड़ कर इसलिए अब तो कोई ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है तो इसलिए अब थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर सकती हूँ तो ये चाय पत्ती तो चाय पत्ती डाल दी और उसके बाद ग्रीन टी वगैरह भी मैंने मंगाया था तो वो भी इसी में डालूँगी और ये चीनी तो चाय वगैरह तो हम लोग के यहाँ जब कोई गेस्ट आते हैं तब ज़्यादातर बनती है नहीं तो एक बार बन गई तो बन गई और उसके बाद जो ग्रीन टी मैंने मंगाई है तो पहले मैं सोच रही थी किसी और में डालूं फिर यश ने कहा यही सामने डाल दो तो सामने सही रहेगा मैंने कहा चलो ठीक है एटलीस्ट दिख तो जाएगा जब यूज़ करना हो नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को पीनी हो लेकिन मिलती नहीं है क्योंकि अंदर होती है तो ये मैंने कुछ मैंने क्या यश ने ऑर्डर किए थे तो ये अलग अलग वो हैं फ्लेवर्स हैं तो सबको एक साथ मिक्स कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा लेकिन ये मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आई जितना मतलब हाइप कर रखा है डि, डिब्बे डि, की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है इनफैक्ट अगर ये किसी आ, ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइन होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता बहुत अच्छा प्रिंट है इसके ऊपर तो खैर मैं इसको फटाफट से लगा देती हूँ तो बस ये तो मैंने लगा लिया और नीचे कप भी लगा दिए अब इन सबको हटा लेती हूँ और ये अदरक कूटने वाला जिसमें मैं अदरक कभी नहीं कूटती हूँ उसको मैं ग्रेट करके ही डालती हूँ उसमें यश वो यूज़ करता है और ये दो मग्स बचे हुए हैं ये मेरी सिस्टर ने दिए थे यश को चार दिए थे तो दो टूट गए दो बचे हुए हैं एक्चुअली किचन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्या छोटा है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है तो हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं तो चाय चढ़ा दी है इसमें अदरक मैंने फिर ग्रेट करके ही डाला है इसको कूट के नहीं डाला है तो पांच लोगों के लिए चाय बना रही हूँ पांच लोग आएँ और पांच लोग नहीं आए आए तो कम लोग हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे हम भी तो चाय पी लेंगे तो चलिए फटाफट से मैं जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ उसके बाद चाय का मसाला या चाय पाउडर या जो भी मसाला होता है जैसे सब्ज़ी में गरम मसाला होता है तो चाय में चाय मसाला तो अब चाय बनेगी एकदम झमाकेदार <laughs> तो चलिए चाय बनने वाली है अभी उबालने के बाद फिर उसमें दूध ऐड करूँगी और ये नमकीन निकाल ली है मैंने और ये मेरे प्यारे प्यारे से कप्स सही में ये वाइट 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 देख देख के ना एकदम बिल्कुल ही बोर हो गई थी तो ये कलर्स कलरफुल कप्स अच्छे लग रहे हैं और ये मैंने ज़्यादा सस्ते मतलब ज़्यादा महंगे नहीं मंगाए मैंने सो क्या पता अगर सही नहीं हो तो और ये अलग अलग कलर्स मैंने मंगाए क्योंकि जिस कलर को देखने का मन करेगा तो वो कलर दिख जाएगा इसलिए तो चाय छन चुकी है और आज बातों में काफ़ी लेट हो गया था तो आज का व्लॉग तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी अब कल मिलते हैं गुड मॉर्निंग और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये सुबह सुबह कमल जी बाहर सफाई करते हुए क्योंकि बाहर का ठेका उनका है और रात को यश जैसे सोफ़े पे बैठ के काम करता है तो सोफ़े का हाल ऐसा ही होता है तो इसलिए सबसे पहले तो इसको सही कर लेती हूँ नहीं तो ऐसे देख के ना चक्कर आ जाता है कि ऐसे लगता रहता है पता नहीं क्या ऐसा लगता है किसी ने फेंक दिया हो सब कुछ तो बस इसको सही करूँगी उसके बाद थोड़ा सा इधर ये सब तो सब पोछा वगैरह तो नीचे आके बाद में लगाऊँगी पहले ऊपर की सफ़ाई करूँगी तो चलिए अब मैं जा रही हूँ छत पे और छत पे अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते जैसा है वैसा है अभी धूप नहीं होगी है और ये खीरा टमाटर के छिलके और धनिया पत्ता धनिया पत्ते की जड़ क्या बोल रही हूँ तो ये पौधों में डाल दिया ताकि पौधों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि कुछ तो खाने को दिया है <laughs> तो बस कमर्जी इसमें पानी डालेंगे और मेरा पानी पीने का कार्यक्रम नीचे के लगता रह गया था तो इसलिए बाकी की कसर यहाँ ऊपर छत पे आके पानी पी रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसा लगता रहता है जलबिन मछली वाली फीलिंग आती है क्योंकि इतनी ऊंचाई चढ़ना और अब सनराइज़ होने लग मतलब हो रहा है तो छः चालीस पाँच चालीस हो रहे हैं क्योंकि पाँच चालीस तक हो जाता है और कमल जी अपने जो डेली का उनका कार्यक्रम है जो पौधों में पानी डालना उसमें लगे हुए हैं जो कि उनका फेवरेट काम है और मैं ऊपर से सीढ़ियों से पोछा लगाते हुए नीचे फिर ये बालकनी वगैरह पहले बालकनी फिर ये वाला फ्लोर करूँगी फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी बस इसी तरह से दिन बिताऊँगी अपना पोछा लगाते लगाते और इधर सारा हो चुका है और नीचे तक का भी हो चुका है सफाई का बस ये गेट पोछने का रह जाता है क्योंकि कमल जी तो बस पानी से धो देते हैं पर गेट पे जो धूल आती है उसकी ठेकेदारी तो मेरी ही है ना नहीं तो कोई भी आएगा कहेगा गेट पे इतनी सारी धूल पड़ी है और दीवारों पे भी सबके घरों में फ़र्श पे सिर्फ धूल आती है हमारे तो दीवारों पे भी आती है स्पेशल एडिशन वाला घर है हमारा <laughs> तो दीवारों को भी झाड़ू लगाना टाइम टू टाइम ज़रूरी हो जाता है नहीं तो पता लगे कभी दीवार पे चढ़ने का मन करे <laughs> खैर मजाक कर रही हूँ तो धूल दिखेगी तो चलिए मैं नहा चुकी हूँ नहाने के बाद का जो मेरा कार्यक्रम होता है सजने सवरने का जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ एक क्रीम लगा लेती हूँ तो गर्मियों में वो भी ऐसा लगता है कि क्यों लगा ली क्यों ये पाप कर लिया उसके बाद लिपस्टिक लगा ली जो कि थोड़ी देर ही रहेगी जब तक नाश्ता वगैरह करूँगी उसके बाद तो वैसे ही नज़र आऊँगी और ये मेरी चोटी तैयार हो गई तो बस अब जाऊंगी कपड़े फैलाने और चोटी करके ख़ुद को बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है गर्मी में और ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर बाल सारे ऊपर चढ़ जाते हैं और ये सेब के छिलके लेके जा रही हूँ पौधों के लिए और मैंने अपना फिर से वही कार्यक्रम शुरू कर दिया है जो हाथ से धोने वाले कपड़े का क्योंकि कुछ मतलब टाइम पास के लिए भी तो कोई काम चाहिए और उसके लिए कमल जी इतना चिल्लाते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है कि हाथ से डेली कपड़े धोने का और उसके बाद फिर मैं इन लोगों को बोलती हूँ मेरे कपड़े कोई ले, ले कर चल लो ऊपर चल लो क्योंकि ये मशीन ड्राइड तो होते नहीं है खूब सारा इसमें पानी होता है तो भारी होता है तो फिर हाथ पैर जोड़ती हूँ तो यश लेके आता है और नीचे आने के बाद ये मैंने स्प्राउट्स वगैरह बना के इन लोगों के लिए रख दिए बाद में नमक वगैरह ऐड करूँगी क्योंकि आज मेरा व्रत है तो इसलिए पहले मैं मैंगो शेक बना रही हूँ और ये लोग जब तक नहाएंगे तैयार तैयार पहले तो मैंने नहा के हो चुकी हूँ तब तक मैंगो शेक बना लेती हूँ ज़्यादा ही शेक पीने की जल्दी थी इसलिए ये इतना अच्छा बनाया मैंने पूरा फैल गया <laughs> काम बढ़ गया <laughs> तो इन दोनों का निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद फिर अपना निकाल लेती हूँ इन दोनों का तो फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि इन लोगों को नहाने में अभी टाइम है इसको इस तरह से ढक दूँगी फ्रिज में फिर रख दूँगी उसके बाद अब खाना चढ़ा दिया है मैंने चावल वाल चढ़ा दिया है और भुजिया काट रही और ये जो चाकू मैंने मंगाया था ये सही ज... जा रहा है ज... जा क्या रहा है सही काम कर रहा है पर हाँ उतना नहीं अच्छा काम कर रहा है जितना मतलब मैंने सोचा था क्योंकि इतना महंगा मेरे लिए तो महंगा ही है यार तो उतना महंगा मतलब जितना पैसा लगाया उतना काम नहीं कर रहा सही मतलब ऐसा होना चाहिए ना जो बिल्कुल ही एकदम ख़तरनाक वाला वैसा नहीं है मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आलू आप रखो सीधे कट जाए नॉर्मल चाकू से थोड़ा सा अच्छा है और बाकी जो टमाटर वाला मंगाया था वो ज़्यादा अच्छा है तो बस आलू और भिंडी का भुजिया बना रही हूँ और कूलर जो रखा था अपने गेट के अगर ऊपर का देखा हो तो बालकनी के गेट के पास तो वो बेचने के लिए रखा था देखती हूँ शायद आज मुहूर्त निकल जाए उसको बेचने का तो कबाड़ी वाला आ चुका है कमल जी का फेवरेट काम कबाड़ी बेचना तो ये ऊपर से कमल जी ने फेंका जो कवाड़ी का सामान होता है जो गत्ते वत्ते होते हैं वो ऐसे ही फेंकते हैं नीचे और फिर उसके बाद यहाँ पे तब जाके गेट खोलते हैं और बस वो ला चुके हैं और उसके बाद अभी नहा के बस यही काम कर रहे हैं वो और कोई काम क्यों करेंगे कबाड़ी बेचना सबसे ज़रूरी काम है उनका इसलिए तो कूलर की भी डील फाइनल हो गई तो वो भी उन्होंने निपटा दिया उसके बाद ये यश ने अभी निकाला था ओ जो कि मैं निकालती नहीं हूँ क्योंकि ये चलाने से इतनी गर्मी हो जाती है गर्मी ऐसा लगता है कि पता नहीं दिमाग तो ऐसे ही गर्म रहता है और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो फिर यश ने कुछ बनाया था तो मैंने कहा कि नहीं अब बहुत हो चुका बहुत यूज़ कर लिया अब इसे रख दो जब सर्दी आएगी तब चलाएंगे हीटर का, का काम चल जाएगा <laughs> खैर ये कमल जी ने उसको कवर पहना दिया और मैंने एक नाइटी मंगाई थी मरून कलर की क्योंकि रेड कलर का मेरे पास तो कोई नाइट वेयर है नहीं मैं तो एक कुर्ते को ही पहन लेती हूँ तो मैंने एक नाइटी मंगाई है जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक मतलब कुछ साल पहले तक मुझे नाइटी बिल्कुल नहीं पसंद हुआ करती थी और अभी मैंने मंगाई है ये मरून कलर की तो जिस ब्रांड की मेरे पास दूसरी है वाइट कलर की उसी ब्रांड की है तो उसकी क्वालिटी ठीक होती है तो आजकल तो यही सब चीज़ें मंगा रही हूँ कभी नाइटी कभी कुछ पहले कुर्ते मंगवाया करती थी <laughs> तो ये नाइटी है ये एम साइज़ मैंने मंगाया है तो ये कई सारे कलर्स वगैरह में हैं तो आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं अगर आप नाइटी पहनते हैं तो वैसे तो आजकल लोग इस टाइप की नाइटी कम ही पहनते हैं नाइट सूट वगैरह पहनते हैं लेकिन मैं नाइट सूट वगैरह इसलिए भी नहीं पहनती हूँ एक तो मेरे ससुराल यहीं पास मतलब ससुराल के लोग आस पास में रहते हैं कब कोई आ जाए फिर ढूंढते फिर वो सूट का है ये का है वो का है इसे अच्छा नाइटी पहन लो 90 नाइटी भी मैं सिर्फ रात को पहनती हूँ सुबह उठते ही फिर कुर्ता चेंज कर लेती हूँ क्योंकि काम भी करना होता है नाइटी पहन के मेरे से काम किया नहीं जाता और इसमें पॉकेट भी है तो आपको अगर फ़ोन रखना हो साथ में तो आप रख सकते हैं तो ये मुझे ठीक लगी अब देखती हूँ इसको वॉश करने के बाद इसका क्या अंजाम होता है अभी तो ये सही लग रही है <laughs> तो चलिए फिर अब मैं आगे का काम देखती हूँ और कमल जी मुझसे पूछ रहे थे क्या सामान आया क्या सामान आया मैंने उन्हें बताया नहीं था बाद में देखेंगे फिर कहेंगे कितनी नाइटी लोग हैं और शाम हो चुकी है तो फिर मैं नहा के जैसे कि प्रसाद बनाना होता है तो मैंने ये नाइटी ही पहन ली मैंने कहा रेड कलर का पहनना था मैंने कहा यही पहन लेती हूँ और ये आटे का आटे को घी में भून के बनाया हुआ प्रसाद जो होता है और ये मेरी नाइटी बिल्कुल ही विचित्र लग रही है तो खैर मेरा काम हो चुका है मैं पूजा वूजा करके आ चुकी खाना बना के सबको खिला चुकी हूँ अब बाकी का काम कर रही हूँ जिसकी मुझे ये लोग तनख्वाह देंगे गैस पोछना फिर उसके बाद ये बिल्कुल हल्का हल्का पोछ रही हूँ ज़्यादा नहीं उसके बाद बर्तन धोना नहीं तो मेरी पगार कट जाएगी <laughs> तो ये सब करने के बाद उसके बाद जो घर मतलब घर का एक आध और एक्स्ट्रा काम होगा वो निपटाऊँगी उसके बाद थोड़ा सा टाइम पास करूँगी फिर सो जाऊँगी और बर्तन साफ़ होना हो सिंक जरूर साफ़ होना चाहिए नहीं तो तनख्वाह कट जाएगी <laughs> और ये सिंक में कमल दी ने एक दिन एसिड डाल दिया पूरा दाग 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 अभी भी पूरा हटा नहीं है काला काला सा निशान इसमें चमकता है ताकि सिंक को नज़र ना लगे क्योंकि ज़्यादा चमकदार सिंक सही नहीं लगता ना इसलिए निशान थोड़ा रहना चाहिए <laughs> और ये मेरा हैंड वॉश बर्तन धोने वाला ही हैंड वॉश तो बस यहाँ का काम निपटा लिया है अब टेबल वगैरह सही से साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मेरा जो फ़ाइनल टाइम पास का काम जो मेरे अपने कुछ नोट्स हैं वो बना रही हूँ तो आज का व्लॉग में बहुत बकबक बक कर ली मिलती हूँ नए व्लॉग में या नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय